Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Math Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का सेकंड मेथड इनकम मेथड डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि इनकम मेथड से रिलेटेड कोई भी की पॉइंट आपका मिस ना हो. देखो जो ये सेकंड मेथड है इनकम मेथड, ये तीनों मेथड में सबसे सिंपल मेथड है, सबसे इजी मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का. आपको पता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं. पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड है इनकम मेथड और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड. जो फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. मैं कमिंग वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई भी आपका टॉपिक मिस ना हो. देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इनकम मेथड का दूसरा नाम. इनकम मेथड को हम फैक्टर पेमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं. आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में फैक्टर पेमेंट मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोल देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. उन्हें पता ही नहीं होता कि फैक्टर पेमेंट मेथड इनकम मेथड का ही दूसरा नाम है. तो देखो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको इनकम मेथड की स्टेप्स, इनकम मेथड के कॉम्पोनेंट्स, इनकम मेथड के प्रिकॉशंस और इसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखाऊंगी कि जब आपको क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है बाय इनकम मेथड तो किस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे. तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड. ये थियोरेटिकल पार्ट है. कई बार क्वेश्चन में स्टेप्स पूछ लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने की बजाय वो स्टेप्स पूछ लेते हैं कि एक पर्टिकुलर मेथड को कैलकुलेट करने के लिए कौन से स्टेप्स अप्लाई होती हैं. तो इनकम मेथड की कौन कौन से स्टेप्स होती हैं ये मैं आपको बता रही हूँ. सबसे पहली स्टेप आती है आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. देखो इनकम मेथड में जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन यूनिट को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है तीन सेक्टर में. पहला सेक्टर है प्राइमरी, दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी और तीसरा सेक्टर है टर्शियरी. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर. हर सेक्टर ने कितनी फैक्टर इनकम पे की है ये एस्टिमेट किया जाता है. थर्ड स्टेप में क्या होता है, कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट की जाती है. डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी फैक्टर इनकम होती है उसे ऐड कर दिया जाता है. हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक इनकम, इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को जब ऐड कर देते हैं तो हमें मिलती है डोमेस्टिक इनकम. और फोर्थ स्टेप में क्या होता है, कैलकुलेट नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. जो भी हमें डोमेस्टिक इनकम मिलती है उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं और हमें मिल जाती है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. क्लियर, समझ में आई आपको किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं इनकम मेथड में. इनकम मेथड में चार स्टेप्स होती हैं. यूजुअली आपके क्वेश्चन में ये जो लास्ट की दो स्टेप हैं यही अप्लाई होती हैं. आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करेंगे और डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करने के लिए आपको इन तीन चीजों को जोड़ना होगा. जब आप इन तीन चीजों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगी डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक इनकम मिलने के बाद आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसमें प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगी नेशनल इनकम.
ये है स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। अब मैं आपको बता रही हूँ कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। देखो जो इनकम मेथड है उसमें फैक्टर इनकम को ही कंसीडर किया जाता है और कोई भी इनकम कंसीडर नहीं की जाती। तो हम फैक्टर इनकम कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम में हम तीन चीजों को जोड़ते हैं, तीन इसके कंपोनेंट है। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरी है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीनों क्या होती है ये सारी मैं आपको वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले आप ये समझ लो कि जब आप इनकम मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करना। जैसे मैंने आपको अभी अभी स्टेप में बताया था कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो आप इन तीनों को जोड़ देंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगी डोमेस्टिक इनकम। और जब आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है तब आप उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे। जो डोमेस्टिक इनकम है एनडीपी एट फैक्टर कोर्स में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे तो आपको मिलेगी नेशनल इनकम। तो जो कंपोनेंट्स है फैक्टर इनकम के वो तीन मेजर कंपोनेंट्स है। ये तीनों क्या होते हैं ये मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहला आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? अमाउंट पेड बाई एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस। देखो जब कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर के लिए प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर करता है, अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उस सर्विस के बदले एम्प्लॉयर उसे कंपनसेट करता है, उसे अमाउंट पे करता है, उसे हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के तीन कंपोनेंट है। कौन कौन से तीन कंपोनेंट है? पहला है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। देखो जब कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है तो उसे मॉनेटरी पेमेंट मिलती है, मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट्स का मतलब क्या हुआ कि उसको कैश में पेमेंट मिलती है, जैसे उसको सैलरी मिल गई, उसे बोनस मिल गया, उसे कमीशन मिल गया या फिर उसे कोई अलाउंस मिल गया, जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया या उसको हाउस रेंट मिल गया। तो इस तरह से उसको मॉनेटरी बेनिफिट होता है वो होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश में। दूसरा आता है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। देखो इसमें क्या होता है कि जो पेमेंट मिलती है वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं मिलती, यहाँ पर उसे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स का मतलब क्या हुआ कि जब एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर कैश पेमेंट नहीं करता है लेकिन वो काइंड में पेमेंट करता है तो वो होती है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। जैसे वो अपने एम्प्लॉई को एक कार दे देता है, वो उसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, वो उसके बच्चों के लिए एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, उसे रेंट फ्री होम दे देता है, तो इस तरह की चीजें आती हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में। तीसरा आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जैसे देखो कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉई के लिए कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड के रूप में या फिर पेंशन फंड के रूप में, तो ये सारा आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। जब आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की बात करेंगे तो उसमें ये तीनों चीजें ऐड होंगी। क्या क्या ऐड होगा? पहला होगा वेजेस एंड सैलरी इन कैश, दूसरा होगा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और तीसरा होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जब ये तीनों ऐड हो जाते हैं तब बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। समझ में आया?
तो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दे दिया और उसके साथ आपको वेजेस एंड सैलरी इन काइंड भी दे दिया। तो देखो, इस सिचुएशन में आप वेजेस एंड सैलरी इन काइंड को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। इसमें वेजेस एंड सैलरी इन कैश भी इंक्लूडेड है, इसमें वेजेस एंड सैलरी इन काइंड भी इंक्लूडेड है, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी इंक्लूडेड है। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तब बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर? अब देखो, सेकंड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द फॉर्म ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। देखो, जो भी इनकम प्रॉपर्टी से मिलती है या फिर एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस दो चीजों से मिलके बनता है। पहली आती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरी आती है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तीन चीजें आती हैं। पहली आती है रेंट, दूसरी आती है रॉयल्टी और तीसरा आता है इंटरेस्ट। जब ये तीनों चीजें प्लस हो जाती हैं, तो बनती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। देखो, आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रही हूँ? ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे बनता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में दो चीजें होती है। पहली होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है, उसमें तीन चीजें इंक्लूड होगी। पहली होगी रेंट, दूसरी होगी रॉयल्टी और तीसरी होगी इंटरेस्ट। जब ये तीनों चीजें प्लस हो जाएंगी, तो बनेगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और दूसरा आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें एक चीज होती है, वो होता है प्रॉफिट। लेकिन देखो, प्रॉफिट में तीन चीजें ऐड होंगी। पहला होगा कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा होगा डिविडेंड और तीसरी होगी रिटेन्ड अर्निंग। जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो बनेगा प्रॉफिट। समझ आया? और जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप को ऐड कर दिया जाता है, तो बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो, इतनी डिटेल में बताने का मेरा सिर्फ एक एम है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होता है, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे देते हैं या प्रॉफिट दे देते हैं या रेंट और रॉयल्टी में से कुछ भी दे देते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन सब की अमाउंट को कंसिडर नहीं करना, आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस की अमाउंट लेनी है। अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं देते हैं, आपको रेंट दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, तो आपको इन सबको प्लस करके जो अमाउंट टोटल आती है, वो लेनी है। इसी तरह से प्रॉफिट में भी ऐसे होता है। देखो, कई बार क्या करता है एग्जामिनर, आपको प्रॉफिट भी दे दिया और इसके साथ साथ आपको डिविडेंड की अमाउंट भी दे दी। तो आपको डिविडेंड की अमाउंट को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि प्रॉफिट में ऑलरेडी डिविडेंड इंक्लूडेड है। जो प्रॉफिट बनता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, इन तीनों को जोड़ के बनता है, वो अमाउंट होती है प्रॉफिट की अमाउंट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस आपको क्लियर हुआ? ऑपरेटिंग सरप्लस में यूजुअली चार चीजें होती है। पहली है रेंट, दूसरी है रॉयल्टी, तीसरा है इंटरेस्ट और चौथा है प्रॉफिट। ये चारों जुड़ के बनते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। पहला कंपोनेंट क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें आप वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरी इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ऐड कर देंगे, तो आपका बन जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें आप क्या करेंगे? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आपका बन जाएगा ऑपरेटिंग
सरप्लस। लेकिन ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है और इसके साथ साथ आपको या तो कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, डिविडेंड दिया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग दी है, तो इन्हें आप कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को मिलकर बनता है प्रॉफिट। क्लियर। और तीसरा कंपोनेंट आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। तो जब आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इन तीनों को आप ऐड कर देंगे। अब देखो, इनकम मेथड के कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं लेनी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लेनी होती है। तो पहला पॉइंट है ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक गिफ्ट्स, डोनेशंस, ओल्ड एज पेंशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फैक्टर इनकम। देखो, जो ट्रांसफर पेमेंट होती है वो कभी भी फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। जैसे कोई गिफ्ट दे दिया, डोनेशन दे दिया या ओल्ड एज पेंशन हो गई, इन सबको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं होती है। दूसरा पॉइंट आता है विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज, हॉर्स रेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी। विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं? जो गेन कभी कभार होते हैं, जैसे आपकी लॉटरी निकल गई या हॉर्स रेस में आप जीत गए, तो इस तरह की इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इनसे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। तीसरा पॉइंट आता है कैपिटल गेन्स लाइक सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड हाउस, ओल्ड कार शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जब एस्टिमेट करते हैं तो कभी भी कैपिटल गेन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इन ट्रांजेक्शन से जो इनकम अराइज होती है वो कभी भी करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में एड नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो, जो इम्प्यूटेड रेंट होता है ये हमेशा नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में एड किया जाता है। इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है? जैसे कोई ओनर है, वो अपनी ही जगह पर काम कर रहा है, अपनी ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में वो काम कर रहा है, तो वो अपने आप को रेंट देता है एक तरह से, उस अमाउंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये प्रिकॉशन से रिलेटेड मैंने आपको चार पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ कि आप इनकम मेथड से किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो, एक एग्जांपल लिया है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ये पर्टिकुलर्स है और अमाउंट दी है आपको करोर्स में। मिक्स्ड इनकम 2000 करोड़, ओल्ड एज पेंशन 200 करोड़, डिविडेंड 1000 करोड़, ऑपरेटिंग सरप्लस 7000 करोड़, वेजेस एंड सैलरीज 3000 करोड़, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 500 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -100 करोड़ एंड प्रॉफिट्स 4000 करोड़। तो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? देखो, जब भी आपको इनकम मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोला जाता है तो आप सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको तीन कंपोनेंट जो मैंने आपको बताए थे वो तीनों कंपोनेंट ऐड करने हैं। तो उस कंपोनेंट में एक था मिक्स्ड इनकम, तो आप लिखेंगे मिक्स्ड इनकम प्लस ओल्ड एज पेंशन। क्या आप इसे इंक्लूड करेंगे? नहीं, ये ट्रांसफर पेमेंट है तो ये आइटम नहीं आएगा। नेक्स्ट है डिविडेंड। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो तो आप कभी भी डिविडेंड को कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये अमाउंट नहीं आएगी।
ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस वेजेस एंड सैलरी, ये भी आएगी वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये भी आएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब देखो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स आएंगे नहीं, प्रॉफिट नहीं आएंगे क्योंकि प्रॉफिट पार्ट है डिविडेंड का और डिविडेंड पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस का। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस आपको क्वेश्चन में दिया है तो ये सब चीजें कंसिडर नहीं की जाएगी क्योंकि ये सब ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो जो प्रॉफिट की अमाउंट है ये भी एड नहीं होगी। अब देखो हम अमाउंट लिखते हैं, मिक्स्ड इनकम कितनी है 2000 करोड़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस है 7000 करोड़ प्लस वेजेस एंड सैलरी है 3000 करोड़ प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 500 करोड़। तो डोमेस्टिक इनकम हमें मिलेगी इज इक्वल टू 12,500 करोड़। और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हम क्या लिखते हैं, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी है 12,500 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है -100। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें कितना मिल जाएगा, देखो ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 12,400 करोड़। ये है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। क्लियर, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इनकम मेथड से नेशनल इनकम का क्वेश्चन सोल्व करना है। जब आप तीनों कंपोनेंट जोड़ेंगे तो आपको मिलेगी डोमेस्टिक इनकम, और जो आपको डोमेस्टिक इनकम मिलती है उसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगी नेशनल इनकम और आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे इजी मेथड है इनकम मेथड, तीनों मेथड में सबसे इजी यही मेथड है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।